माइकल को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर गिफ्ट किया था जो कि यार काफी ज्यादा सीक्रेट है और हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जब भी हम लोग को कोई सीक्रेट काम करना होगा, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी होगी तो हम लोग वहीं पे करने वाले हैं। बाकी यार अभी ना मैं अपने कार शोरूम पे आ रखा हूँ, तो आप लोग को याद होगा हम लोगों ने अपने कार शोरूम के लिए लॉस सैंटोस के बाहर से यार 1000 से ज्यादा सुपर कार्स मंगाई थी और अभी हमारे सैंडी शोर्स वाले कार शोरूम पे हम लोगों ने गाड़ियां लगा दी है। अगर मैं तुम लोग को यहां से दिखाऊं तो तुम लोग देख रहे हो यार अभी अपने कार शोरूम पे गाड़ियां चुकी है, सिक्योरिटी लग चुकी है और आज हम लोगों ने कार शोरूम को भाई ओपन कर दिया है। अभी किसी को भी गाड़ियां खरीदनी होगी कोई भी यहां पे आराम से आ सकता है। बाकी यार पहले ना हम लोगों ने यहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी की थी, फिर मैंने यार सीमियोन के साथ मिलकर यार बातचीत की और सीमियोन ने मेरे को बताया कि यार सैंडी शोर्स में ना ज्यादा गाड़ियां नहीं लगानी चाहिए क्योंकि यहां पे ना बहुत ज्यादा चोरियां होती है, इसीलिए ना हम लोगों ने यहां पे बहुत कम गाड़ियां लगाई है। अभी यहां से मैंने बहुत ज्यादा लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और फरारी ना हटा के लॉस सैंटोस पहुंचा दिए हैं। अगर किसी को चाहिए होंगी तो कोई भी ऑर्डर कर देगा या फिर जैसी बुक करता है हम लोग यहां पे गाड़ियां मंगा देंगे। और सिक्योरिटी तो अभी और भी बहुत ज्यादा आनी है, मैंने करीब 50 सिक्योरिटी वाले हायर किए थे, यहां पे अभी बहुत कम सिक्योरिटी आई है। साथ ही साथ मैंने 2 ट्रक मंगा लिए हैं ताकि कोई गाड़ी खरीदता है तो हम लोग यहीं से डिलीवरी करा पाए। बाकी यार अभी ना यार कार शोरूम पे मैनेजर को रखना है, थोड़े बहुत और भी बंदे रखने हैं जो कि गाड़ियां डिलीवर करेंगे। मैनेजर अभी आया नहीं है ना यहां पे रिसेप्शन पे कोई है, अभी सारी चीजें ना ट्रेवर ने संभाल रखी है तो ट्रेवर शायद ऊपर के साइड है, तो फटाफट से चल के मैं ट्रेवर से बातचीत कर लेता हूँ। ट्रेवर ने अपनी बहुत ज्यादा हेल्प की है, तो ये रहा भाई अपना ट्रेवर, देख रहे हो क्या स्मार्ट बन के घूम रहा है, तो क्या हाल चाल है भाई ट्रेवर। ट्रेवर यार तूने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, अभी जो भी तू बोलेगा ना भाई मैं वो तेरे लिए करने वाला हूँ। बाकी यार आज ना हम लोग लॉस सैंटोस में बहुत कुछ करने वाले हैं, लॉस सैंटोस सिटी में मेरे को बहुत सारी चीजें करनी थी तो आज हम लोग सारी चीजें करेंगे, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यार जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोग के लिए देख रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, तो यार लाइक करो यार, लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा और जल्दी वीडियोस आएंगी, तो लाइक करके एक अच्छा सा कॉमेंट जरूर कर देना। और हाँ मैं आप लोग को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ भाई, मैं अपने ब्लॉगिंग वाले चैनल पर अभी डेली ब्लॉग्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया और जो भी नहीं देखता है ब्लॉग भाई जाके देखो यार, वैसे बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, शुभम गुप्ता जाके भाई सर्च करो, नहीं तो लिंक पे क्लिक करके जाओ और ब्लॉग्स भी देखा करो भाई, डेली क्या करता हूं सब पता चल जाएगा। बाकी बहुत हो गई बातचीत और ये रहा ट्रेवर भाई, ट्रेवर को मेरे को ना एक गाड़ी गिफ्ट करनी है क्योंकि ट्रेवर ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है, तो अभी मैंने ट्रेवर से यार बातचीत कर लिया और ट्रेवर को मैंने बोला है कि भाई तेरे को जो भी गाड़ी चाहिए ना भाई सीधे बोल दे या फिर पैसे वगैरह चाहिए हो, क्योंकि ट्रेवर ने हमारा बहुत ज़्यादा काम किया है। ट्रेवर के काम से ना मैं अभी भाई खुश हो चुका हूँ क्योंकि उसने मेरी सारी की सारी गाड़ियों को एकदम सेफ रखा, यहाँ से कोई भी गाड़ी चोरी नहीं हुई है और ट्रेवर भाई आगे भी ऐसे ही काम करने वाला है। तो ट्रेवर तू टेंशन ना ले भाई, तेरे को जो भी गाड़ी चाहिए सीधे नाम बोल दे, तेरे घर पर गाड़ी पहुँच जाएगी, या फिर तेरे को पैसे वगैरह चाहिए तो भाई पैसे भी ले ले। एक सेकंड, ये जा कर रहा है शायद, इसको बुगाटी चाहिए क्या? कोई दिक्कत नहीं भाई, जो गाड़ी चाहिए ना ट्रेवर को भाई वो ना मैं इसको सीधे दे दूंगा। एक सेकंड भाई, ट्रेवर यार ये गाड़ी लेकर मत जा। ट्रेवर बोल रहे हैं यार माइकल ने मेरे से डील की थी कि यार ट्रेवर अगर मेरे कार शोरूम का ध्यान रखेगा तो मैं इसको अपनी गाड़ी एक दिन के लिए दे दूंगा, पर ट्रेवर मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि यार मेरे को पीटर ने यह गाड़ी गिफ्ट की थी और आप लोग को पता है पीटर के साथ अभी मेरा पंगा हो चुका है, तो मैं गाड़ी को बिल्कुल नहीं दे सकता भाई, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को ना पीटर के साथ पहले जाके बातचीत करनी है, गाड़ी के पैसे देने हैं, उससे पहले मैं गाड़ी किसी को नहीं दूंगा। और भाई यार गुस्सा क्यों कर रहा है इसने मेरी हेडलाइट, ट्रेवर भाई गुस्सा क्यों कर रहा है यार, बाद में गाड़ी ले लेना यार। ट्रेवर बात सुन यार, जिस बंदे ने मेरे को ये गाड़ी गिफ्ट किया ना उस बंदे से मेरा बहुत तगड़ा पंगा हो गया है और हो सकता है अगर गाड़ी तेरे पास होगी तो वो गाड़ी को डिस्ट्रॉय करवा दे या फिर चोरी कर ले, इसीलिए मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता भाई, थोड़ा रुक जा यार, गाड़ी ले लेना तू भाई। गाड़ी को तोड़ना बंद कर, इसने गाड़ी की दोनों हेडलाइट तोड़ दी है। ट्रेवर क्या कर रहा है भाई, हद है यार, ये गाड़ी देख रहे हो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी है, मेरे को नहीं पता इस गाड़ी के पार्ट्स यहाँ पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर इसने गाड़ी की देख रहे हो क्या हालत कर दी। और भाई ट्रेवर यार
ये पूरी गाड़ी को तोड़ताड़ के ही जाएगा। यहाँ देख रहे हो इसने कबाड़ा कर दिया है भाई, पीछे से टक्कर मारी। अच्छा है पीछे से कुछ नहीं हुआ यार, गाड़ी की मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हाँ मेरे को पता है कि ड्राइवर यार नाराज़ होना चाहिए, मैंने उसको बोला था कि मैं उसे एक दिन के लिए गाड़ी दे दूंगा, पर मैं नहीं दे सकता हूँ यार जब तक पीटर से हमारी बात ना हो जाए। वैसे बहुत सारे लोग के कॉमेंट आ रहे थे कि भाई पीटर को ना गाड़ी वापस मत करो, पीटर को पैसे दे दो। तो पहले हम लोग पीटर के पास चलेंगे, मैं उससे बातचीत कर लूँगा, मैं इसको साफ साफ बोल दूंगा कि भाई गाड़ी तो मैं नहीं दे सकता, गाड़ी के जितने चाहे उतने पैसे ले ले, और एक बार ना पीटर से बात हो जाए उसके बाद मैं ट्रेवर को भी एक गाड़ी दे दूंगा। पर यार उसने गुस्से में अच्छा नहीं किया भाई, गाड़ी को पूरा तोड़ फोड़ दिया। एक बार स्टार्ट हो रही नहीं हो रही, एक बार मैं चेक कर लूं। वैसे स्टार्ट तो हो जाएगी, गाड़ी में बहुत ज्यादा दम है। ओके गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, पर इसकी हेडलाइट टूट चुकी है यार। हेडलाइट मेरे को जाके रिपेयर करानी होगी, मेरे को नहीं पता कि लॉस सांटोस में मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाकी एक काम करते हैं, फटाफट से कॉल करते हैं, एंड यहाँ पे एक मैनेजर का इंतजाम करना पड़ेगा। ट्रेवर तो अभी हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, ट्रेवर मेरे से बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। तो अभी मेरी यार सीमियों से फोन पे बातचीत हो गई, और मैंने उसको बोला कि यार सैंडी शॉर्ट्स वाले कार शोरूम के लिए जल्दी से एक मैनेजर भेज दे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हो चुका है, बस एक मैनेजर की जरूरत है। तो सीमियों बोल रहे हैं कि यार सैंडी शॉर्ट्स में ना काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना काफी ज्यादा चोरियां होती है, काफी ज्यादा अटैक वगैरह होते हैं, तो यार मैनेजर तो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैंने सीधे फ्रैंकलिन को कॉल किया, फ्रैंकलिन को यहाँ पे बोला है जब तक कोई मैनेजर नहीं मिलता है तब तक अपना फ्रैंकलिन काम करेगा, क्योंकि ट्रेवर तो कोई हेल्प नहीं करने वाला, और ट्रेवर से भी थोड़ा बच के रहना होगा। जब भी वो गुस्से में आता है ना भाई कुछ भी कर सकता है, या तो वो मेरी गाड़ी चोरी कर सकता है, गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर ज्यादा दिमाग खराब हो गया तो कार शोरूम भी तोड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा संभल के रहना होगा। फ्रैंकलिन को भी मैंने यहाँ पे बुला तो लिया है, पहले एक बार फ्रैंकलिन आ जाए, फ्रैंकलिन को मैं अच्छे से समझा दूंगा कि भाई ट्रेवर से ना थोड़ा संभल के रहे, वो बहुत ज्यादा नाराज है। तो काफ़ी देर से मैं यहाँ पे यार फ्रैंकलिन का इंतजार कर रहा हूँ, और फाइनली यार फ्रैंकलिन पहुँचने वाला है। फ्रैंकलिन का अभी मेरे पास मैसेज आ गया था कि यार कार शोरूम की लोकेशन भेज दे, वो सैंडी शॉर्ट्स में है। तो मैंने बोल दिया कि ट्रेवर के घर के बिल्कुल सामने आ जाए, तो अभी फ्रैंकलिन आने वाला होगा। फटाफट से मेरे को कार शोरूम के बाहर चलना है, और चल के मैं उसको सारी चीज़ समझा देता हूँ, और मैं बोल दूंगा कि यार ड्राइवर से ना कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइवर अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है, पता नहीं इसे क्या क्या समझा देगा। ओके तो मुझे लगता है फ्रैंकलिन आ चुके हो, और तुम लोग वहाँ देख रहे हो फ्रैंकलिन अभी एक बुगाटी लेकर आया है, ये तो पक्का टीचर की होगी, और ये अकेले आया है या फिर टीचर साथ में है मेरे को नहीं पता। यहाँ देख रहे हो भाई फुल सूट बूट पहन के आया है। तो अभी मेरी फ्रैंकलिन से यार बातचीत होगी, और फ्रैंकलिन को भी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ समझा दिया है, और फ्रैंकलिन बोल रहे हैं कि यार माइकल बिल्कुल टेंशन ना ले, यहाँ पे फ्रैंकलिन और टीचर मिलकर कार शोरूम का ध्यान रखेंगे। और मेरे को लगा कि यार ये अकेले आए, पर ये अकेला नहीं आया है, टीचर भी इसके साथ में ही है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हो ये कार में बैठ के शायद अभी अपने फ़ोन में कुछ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैंकलिन को अभी मैंने समझा दिया है कि अगर ट्रेवर यहाँ पे आता है तो ट्रेवर को रोकने की कोशिश करे, उससे लड़ाई झगड़ा ना करे, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो मेरे को कॉल करके यहां पे बुला ले, क्योंकि कार शोरूम या फिर गाड़ियां डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। और ट्रेवर का गुस्से का तो इसको भी पता है, ये बोल रहा है उसे रोकना बहुत मुश्किल है, पर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है ट्रेवर अपने आप समझ जाएगा। तो फटाफट से अभी हम लोग यहां से निकलते हैं, फ्रैंकलिन सारा काम संभाल लेगा, क्योंकि पहले भी वो मेरे कार शोरूम संभालता था, उससे पता है कि यार क्या क्या चीज करनी है। तो फटाफट से गाड़ी को लेकर यहां से निकलते हैं, और सबसे पहले ना मेरे को गाड़ी को रिपेयर कराना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार जो सैंडी शॉर्ट्स कस्टम है ना वहीं पे पहले गाड़ी की ना हेडलाइट डला लेते हैं, क्योंकि बिना हेडलाइट के ना ये बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है, और मैं ना ऐसे तो इसे बिल्कुल नहीं चलाने वाला। वैसे मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे हेडलाइट मिलने वाली है, पर अगर मिल जाती है तो एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो भाई अपना कस्टम वाला तो है, वो तो सारी चीज़ें कर ही देगा, और अगर नहीं मिलेंगी ना तो अपन लोग मंगा लेंगे ऑर्डर करके। वैसे बहुत मुश्किल है इसकी हेडलाइट मिलना। तो फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं और सीधे चलते हैं भाई कस्टम की शॉप पे। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस, भाई मैंने हल्की सी टक्कर क्या मारी, सामने वाले गाड़ी की हालत देख रहे हो, पूरी टूट फूट गई है, और मेरी गाड़ी के अंदर एक स्क्रैच भी नहीं आया। तुम लोग यहाँ देख रहे हो, इस गाड़ी के अंदर यही खासियत है, इसकी बिल्ड क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा तगड़ी है। यहाँ देखो भाई पूरी गाड़ी टूट फूट गई है, अंदर बंदा बेहोश भी हो गया है। कोई नहीं, एम्बुलेंस को मेरे को बुलाना पड़ेगा, पर अपनी गाड़ी में अंदर कोई स्क्रैच नहीं आया, पता नहीं ट्रेवर ने इसकी हेडलाइट कैसे तोड़ दी भाई, हद है यार। बाकी फटाफट से गाड़ी को लेकर चलना पड़ेगा, और मैं थोड़ा आराम से चला लूँ, नहीं तो यार बंदे ना मेरे हाथ से मर ही जाएंगे भाई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कस्टम की शॉप पे, फटाफट से गाड़ी को रिपेयर करा दे।
तो अभी मेरी मैकेनिक से यार बातचीत हो गई और मैकेनिक ने गाड़ी को चेक भी कर लिया है। भाई मैकेनिक बोल रहा है कि यार इस गाड़ी का कोई भी पार्ट यहाँ नहीं मिलने वाला और उसने तो ऐसी गाड़ी पहली बार ही देखी है। तो मैंने इसको बोला कोई दिक्कत की बात नहीं और वो बोल रहा है कि शायद लॉस सांटोस के बाहर से मंगवाना पड़ेगा, लॉस सांटोस में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, पहले जो लॉस सांटोस वाला अपना कस्टम वाला है उसके पास चलते हैं, उससे बातचीत कर लेते हैं। अगर उसके पास भी नहीं मिलेगा फिर तो मेरे को पक्का बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग सिटी में पहुंच चुके हैं, फटाफट से यार कस्टम की शॉप पे चलते हैं। और भाई इस वाली गाड़ी से ना जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, भाई कहीं पे भी जाओ फटाफट से पहुंचा देती है। तो बस मेरे को आराम से चलाना है क्योंकि मैं ना सिटी में किसी को उड़ाना नहीं चाहता हूँ। अगर कोई भी सामने आ गया ना भाई बचने वाला नहीं है, बहुत बुरी तरीके से उड़ेगा। तो ये रही भाई कस्टम की शॉप, फटाफट से अंदर चलते हैं। ओके, तो आज यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है, मेरे को लग रहा है अपना काम आराम से हो जाएगा। गाड़ी को मैं यहाँ लगा देता हूँ। देख रहे हो भाई सारी चीज़ें क्या बढ़िया बना रखी है। बाकी एक सेकंड यार, मैकेनिक नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए मैकेनिक? एक सेकंड, मेरे को लग रहा है ओके तो ये रहा मैकेनिक, यहाँ गाड़ी रिपेयर कर रहा था। तो हेलो भाई क्या हाल चाल है यार? मेरी ना जी वैगन के अंदर एक बहुत बड़ी कमी आ गई है भाई, मेरे दोस्त ने ना इसकी हेडलाइट तोड़ दी है। तो यार कैसे भी करके इसकी हेडलाइट डाल दे क्योंकि टूटी हुई गाड़ी ना चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। तो यार अभी ना मैकेनिक से मेरे को बातचीत करके इसकी लाइटें डलानी पड़ेंगी। देख रहे हो भाई यहाँ से टायर नजर आ रहे हैं, वैसे मेरे को लग नहीं रहा है कि इसकी लाइट्स यहाँ पे मिल पाएंगी, पर कुछ ना कुछ करके मेरे को डलानी तो है ही। तो अभी मैकेनिक ने यार गाड़ी को अच्छे से चेक कर लिया है, तो अभी मैं इससे पता करता हूँ भाई लाइट वगैरह इसकी मिल पाएगी या नहीं मिलेगी यहाँ पे। अबे यार ये तो मना कर रहे हैं भाई, मुझे लगता है इसने अपने स्टॉक को अच्छे से चेक कर लिया है। इसको लग रहा है कि यार ऐसी हेडलाइट यहाँ पे है ही नहीं, पर कुछ ना कुछ तो होगा यार। तेरे पास जी वैगन की हेडलाइट तो पड़ी होंगी ना, वही वाली इसमें लगा दे यार, क्योंकि है तो ये जी वैगन ही बस फुल्ली मॉडिफाई हो गई है, इसीलिए पता नहीं लगती है। क्योंकि जी वैगन तो सिटी में यार देखो काफ़ी सारे लोगों पर है, तो जी वैगन के पार्ट्स तो आसानी से मिल जाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि यार अभी इसको समझ आ चुका है और अभी ये शायद लाइट वगैरह लेने गया है, शायद अभी अपनी गाड़ी की हेडलाइट डल जाए। तो अभी यार काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैकेनिक बोल रहे हैं कि यार उसने हेडलाइट डाल दी है, माइकल एक बार आके चेक कर ले। ओके, तो तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई गाड़ी के अंदर हेडलाइट डल तो चुकी है पर ये काफ़ी ज़्यादा धीरे जल रही है। पर कोई दिक्कत नहीं यार, अभी गाड़ी का लुक वैसे ख़राब नहीं हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और उसने ब्लैक कलर की लाइट डाली है जो कि गाड़ी के कलर से काफ़ी मैच कर रही है। मैंने इसको बोल दिया है कि यार जी वैगन की ना जो ओरिजिनल लाइट है वो मंगवा ले, तो जैसी आ जाती है मैं गाड़ी को दोबारा यहाँ लेकर आऊँगा। बाकी मैकेनिक ने यार काफ़ी बढ़िया काम किया है भाई, ये बंदा बहुत ही सही काम करता है, अपनी मॉडिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ ना यही कर देता है, इसीलिए मैं बाहर नहीं जाता। और वैसे भी यार ये कस्टम अभी माइकल का ही हो चुका है, तो फटाफट से अभी गाड़ी को यहाँ से लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो अभी मेरे को सीधे जाना है अपने घर पे, सबसे पहले चल के यार कपड़े वगैरह चेंज करते हैं एंड उसके बाद मेरे को व्हाइट हाउस भी जाना है। तो अभी हम लोग माइकल के घर पे पहुंचने वाले हैं और सिटी में ना मुझे गाड़ी थोड़ी स्लो चलानी है, नहीं तो अगर किसी को भी टक्कर लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक सेकेंड गाइस, तुम लोग यहाँ देख रहे हो यार पार्क में कोई एम्बुलेंस खड़ी करके चला गया क्या? एक सेकेंड, मेरे को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर, एक सेकेंड, तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई एम्बुलेंस का ही एक्सीडेंट हो गया है। तो मुझे लगता है कि यार ये किसी को लेने यहाँ पे आए होंगे और इन्हीं लोगों ने किसी को ठोक दिया और एम्बुलेंस यहाँ खड़ी करके चले गए। हद है यार, मेरे को इसे साइड लगाना पड़ेगा, ये स्टार्ट तो हो रही है ना भाई, क्या कर रहे हैं मेडिकल वाले। एक सेकंड, पहले तो इसका सायरन ऑफ करो। ओके बहुत सही, अभी मैं इसे पार्क से एकदम साइड में लगा के खड़ा कर देता हूँ, ये लोग अपने आप इसको लेकर चले जाएंगे। एक सेकंड एक सेकंड, इसको यहाँ लगा दो इस घर के पास, बहुत सही। तो अभी एम्बुलेंस वाले अपने आप इसको लेकर चले जाएंगे, शायद वो लोग टो ट्रक लेने गए होंगे, पता नहीं यार क्या चलता रहता है। बाकी फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर सीधे घर की तरफ चलते हैं और हम लोग ना माइकल के पुराने वाले घर पे जा रहे हैं क्योंकि माइकल का ना सारा का सारा सामान यहीं पे रखा हुआ है, बस माइकल की फैमिली का सामान नए वाले घर पे चला गया है। तो चल के मेरे को कपड़े वगैरह चेंज करने और आराम से वैसे कोई दिक्कत नहीं यार, अगर टक्कर वगैरह लगती भी है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फटाफट से अंदर चलते हैं और चल के कपड़े चेंज करते हैं। बाकी माइकल के घर पे अभी कोई भी नहीं है, जो काम करने वाली मेड थी ना मैंने उसे भी हटा दिया है, उसे भी नए वाले घर पे भेज दिया है। तो अभी माइकल यहाँ पे एकदम अकेला है, सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं है। तो वैसे ना मैं ज़्यादा इस वाले घर में नहीं रहने वाला, बस कभी कभी कोई मीटिंग वगैरह करनी होगी या फिर कोई काम होगा तभी हम लोग यहाँ आने वाले हैं। तो फटाफट से ऊपर के साइड चलते हैं एंड चल के पहले कपड़े चेंज करते हैं।
तो अभी यार मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यार अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि यार पीटर के घर जाने से पहले क्यों ना यार अपने कार शोरूम पे कराएं, क्योंकि सिटी में भी यार हमारा कार शोरूम है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है और काफ़ी दिन से मैं वहाँ पर गया नहीं हूँ, तो एक बार मेरे को नज़र डालनी चाहिए। वैसे वहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजर एकदम बढ़िया है, पर फिर भी जाके एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता वहाँ पर यार गाड़ियों की कमी आ गई हो। तो फटाफट से पहले कार शोरूम पर चलते हैं, उसके बाद सीधे पीटर के पास चलेंगे। और मैंने पीटर को ना मैसेज कर दिया है, उसका कोई रिप्लाई तो नहीं आया, तो मैं उसको कॉल करके पता कर लूंगा कि यार आखिरकार वो है कहाँ पे। वैसे तो वो अपने घर पे ही होगा, और चल के उससे बातचीत करके ना मैं बोल दूंगा कि भाई मैं गाड़ी तो नहीं दे सकता, मेरे से पैसा चाहे जितना भी ले ले, क्योंकि मेरे को पता है कि यार ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बाकी अभी हम लोग कार शोरूम पे पहुँचने ही वाले हैं, माइकल के घर के एकदम बगल में ही है। तो गाइस ये रहा अपना प्यारा सा कार शोरूम, गाड़ी को मैं यहाँ साइड में लगा लेता हूँ। एंड तुम लोग अंदर देख रहे हो यार, यहाँ पे तो बहुत कम गाड़ियाँ बची हैं भाई, बहुत सारी गाड़ियाँ सेल हो गई, और मैनेजर ने मेरे को कॉल भी नहीं किया था। अच्छा रहा मैं यहाँ पे आ गया, या हो सकता है मैनेजर ने कॉल किया हो, मैंने ध्यान ना दिया हो, क्योंकि वैसे भी माइकल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है आजकल। तो मैं यार सैंडी शॉर्ट्स के कार शुरू में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि यहाँ पे आया ही नहीं। भाई देख रहे हो यहाँ पे कितने ज़्यादा कस्टमर हैं यार, सिटी में ना मेरे को एक ना एक और कार शोरूम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुपर कार्स की जो डिमांड आती है ना वो सिटी की तरफ से ही आती है, और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ भी यहीं पे सेल होती हैं। तो हम लोग इस साइड में देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी भाई, सारी की सारी सेल हो चुकी है। एंड मेरे को लगता है कि मैनेजर अभी शायद किसी कस्टमर से बात कर रही है, इसको शायद बुगाटी पसंद आ गई है। तो मुझे यार इस वाले कार शोरूम में ये गाड़ियाँ भेजनी पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास गोडाउन में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अभी ना अपने को गाड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अभी गोडाउन से गाड़ियाँ यहाँ पर मंगवानी है, यहाँ पर लगवा देंगे। बाकी मैनेजर अभी बिजी है, तो मैं इससे बाद में बातचीत करूँगा। एंड एक सेकेंड, शायद यहाँ पर एक कस्टमर आया हुआ है, ओके तो शायद इसे कोई गाड़ी चाहिए, तो फटाफट से मैं इसे पता करता हूँ। होगी तो अभी मेरी कस्टमर से बात हो गई है, तो कस्टमर बता रहे हैं कि यार इसे ना एक गाड़ी पसंद आ गई है, तो ये अभी मेरे को लेकर चल रहा है। तो भाई यहाँ पे दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ओके तो इसको ये ब्लू वाली गाड़ी पसंद है जो कि एक रेसिंग कार है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गाड़ी मिल जाएगी सर आपको, और भी बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, और अगर कोई और गाड़ी चाहिए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो मैनेजर अभी थोड़ा बिजी है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैनेजर से आप बातचीत कर लो, पेमेंट वगैरह की वो बात कर लेगी, भाई जैसे भी पेमेंट करोगे चल जाएगा, चाहे ऑनलाइन पेमेंट करो, चाहे भाई कैश कर दो, या और गाड़ी की हम लोग डिलीवरी भी करते हैं। तो मैनेजर अभी थोड़ा बिजी है, तो मैनेजर को मेरे को बोलना पड़ेगा कि यार उस कस्टमर से जाके बात करे, शायद ये भी बंदा अभी गाड़ी खरीदने वाला है। तो अभी मैंने मैनेजर को बोल दिया है कि यार इस बंदे से बातचीत कर ले, इसे यार गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। बाकी ये बंदा बोल रहा है कि यार ये पहले भी अपने कार शोरूम में आया था गाड़ी को देखने, रेट वगैरह सब कुछ पता करके चला गया है, और हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो अभी ये बंदा गाड़ी लेकर जाने वाला है, वो भी कैश में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजर यार सारी चीज़ें कर लेगी, और पेमेंट वगैरह ना माइकल के अकाउंट में डल रहा है, अभी हम लोग ना यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर चोरी वगैरह हो सकती है। बाकी यार ये कार शोरूम ना बहुत ज्यादा खाली हो गया है, तो मैं ना सीमियों से बात करके कम से कम 4 से 5 गाड़ियां यहां पे भिजवा दूंगा, और यहां ना सारी की सारी लग्जरी गाड़ियां ही चाहिए, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा डिमांड आती है। बाकी यार फटाफट से अपनी जी वैगन को लेते हैं एंड जल्दी से यहां से निकलते हैं सीधे पीटर के घर पे, एंड पीटर से चल के बातचीत करते हैं, और अपनी भाई जो प्यारी सी जी वैगन है ना, इसका पेमेंट वगैरह करके ये गाड़ी अपने पास रखने वाले हैं। तो अभी हम लोग पीटर के घर पे पहुँचने वाले, और मैं ना पीटर को यार काफ़ी देर से कॉल कर रहा हूँ, पर वो बंदा मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, सीधे उसके घर पे चल के ही देख लेंगे। तो ये रहा पीटर का घर, मैं काम करता हूँ, गाड़ी को मैं यहाँ लगा लेता हूँ, एंड फटाफट से अंदर चलते हैं, और अभी चल के यार उससे बातचीत करते हैं। वैसे यार देखो, ये वाला घर मैंने पीटर को गिफ्ट किया था, और पीटर ने मेरे को एक गाड़ी गिफ्ट की है, बात बराबर होनी चाहिए, पर मैंने यार देखो किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं उसको पैसे देने आया हूँ। अगर पैसे लेता है तो ठीक है, नहीं तो मैं गाड़ी तो बिल्कुल वापस नहीं करूँगा। ओके तो यहाँ मेरे को नहीं पता कौन खड़ा हुआ है, फटाफट से अंदर चलते हैं एंड अंदर चल के बातचीत कर लेते हैं। एक सेकेंड, घर तो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, शायद वो लोग अंदर के साइड होंगे, मेरे को जल्दी से चेक करना चाहिए। ओके यार ये तो एक गैराज वाला रास्ता है ना, मेरे को लगता है कि सारे के सारे लोग शायद ऊपर होंगे, पीटर अपनी फैमिली को भी शायद लेकर आ गया है क्या। ओके तो नहीं, मेरे को लग तो नहीं रहा यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई, चेक करना पड़ेगा ना, टेरिस पे कोई है। एक सेकेंड, घर के पीछे, एक सेकेंड, वहाँ नीचे पीटर का भाई है, और वो क्या कर रहा है,
भाई वो देख रहे हो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, तो पीटर का भाई यहीं पे है, तो पीटर भी यार यहीं कहीं पे होना चाहिए। मैं काम करता हूँ, फटाफट से नीचे चलता हूँ, चल के उससे बातचीत करते हैं, ज़रूर उसको पता होगा कि यार पीटर कहाँ पे है। और ये वाला घर इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि घूमते घूमते यार हालत ख़राब हो जाती है। यही वाला रास्ता है ना पीछे का, एक सिंह मेरे को चेक करना पड़ेगा। ओके तो अभी मैं पूल के साइड आ चुका हूँ, फटाफट से चल के इससे बात करते हैं एंड पता करते हैं कि यार पीटर कहाँ पे। और यहाँ देख रहे हो भाई फुल एक्सरसाइज चल रही है। तो हेलो ब्रो, क्या हाल चाल है तेरे? ये मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा क्योंकि मैंने ना इसका पूरा का पूरा प्लान ख़राब कर दिया है। मेरे को नहीं पता ये लोग किस प्लानिंग से आए थे, पर अभी मेरे को इससे पीटर के बारे में पता करना है। तो अभी इस बंदे से यार मैं काफ़ी देर से बातचीत कर रहा हूँ। पहले तो यार ये बंदा मेरे से बात ही नहीं कर रहा था भाई, मेरे को इग्नोर कर रहा था। फिर बहुत देर बातचीत करने के बाद इसने मेरे को बता दिया कि यार आखिरकार पीटर कहाँ पे है। तो ये बोल रहे हैं कि यार पीटर ना अपनी साइड पे माइकल को मिलेगा, पर वो माइकल से मिलना नहीं चाहता है क्योंकि माइकल उनका दोस्त नहीं है, माइकल उनका दुश्मन है। तो मैंने इसको बोल दिया कि यार देखो तुम लोग मेरे दुश्मन नहीं हो भाई, मेरे दोस्त ही हो, बस लॉस सांटोस में कुछ गलत मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो फटाफट से अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। भाई ये बंदा ना मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पर कोई दिक्कत नहीं यार, इसको ना एक दिन समझ तो आ ही जाएगा कि माइकल ने ऐसा क्यों किया। फटाफट से अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अपनी गाड़ी को उठाते हैं एंड सीधे ना अभी मेरे को साइड की तरफ चलना पड़ेगा जहाँ पे पीटर अपनी फैक्ट्री बना रहा है, वेपन की फैक्ट्री। बाकी यार अभी तक ना आपने को पता नहीं लगा है कि यार पीटर और पीटर का भाई लॉस सांटोस में करने क्या आए हैं। ये लोग इतनी दूर फैक्ट्री लगाने तो नहीं आए होंगे, ज़रूर इनका कुछ ना कुछ और प्लान होगा। तो हम लोग को जल्दी से जल्दी वो भी पता करना है। बाकी फटाफट से अपनी गाड़ी भगाते हैं और सीधे चलते हैं पीटर के पास। तो अभी हम लोग पीटर की साइड पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री बना रहा है। मेरे को नहीं पता वहाँ पे कितना काम हो चुका है, पर यार काफ़ी टाइम हो गया तो काम तो हो गया होगा। वैसे साइट ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं यहीं कहीं पे था ना। ओके तो आगे की साइड तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये रही उसकी साइट। और यहाँ पे तो कुछ भी काम नहीं हुआ है यार, एक सेकेंड, इसने काम रुकवा दिया है या फिर ये काम करा नहीं रहा है। ओके तो यहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर्स बैठे हैं जो कि यहाँ पे लंच वगैरह कर रहे हैं। ओके तो मुझे लग रहा है इनका लंच टाइम है और ये वर्कर्स ना यहीं पे रहते हैं एंड यहीं से काम करते हैं। बाकी पीटर की गाड़ी तो यहाँ खड़ी हुई है पर वो मेरे को कहीं नज़र नहीं आ रहा। और एक सेकेंड गाइस, तुम लोग वहाँ देख रहे हो टावर के ऊपर, वहाँ पे पीटर खड़ा हुआ है, शायद अपनी साइट पे नज़र डाल रहा है। अभी मैं अगर इसको नीचे बुलाता हूँ ना तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा, इसीलिए अगर इससे बात करनी है तो मेरे को भी ना ऊपर के साइड ही जाना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं यार, ऊपर चलते हैं फटाफट से इससे बात करते हैं। तुम लोग वहाँ देख रहे हो वहाँ पे भी वर्कर्स बैठे हैं जो कि अपना खाना वगैरह खा रहे हैं, सबका भी लंच टाइम चल रहा है। तो यार ये टाइम बहुत ही सही है, अभी पीटर भी एकदम फ्री है तो वो आराम से मेरे से बातचीत कर लेगा। अभी मेरे को बस यहाँ से नीचे जाने, और भाई कितना नीचे जाके यार ये खड़ा हुआ है, ऊपर ही हो जाता। अभी मेरे को ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ देखनी होंगी, सीढ़ियाँ कहाँ पे है? ओके ये रही सीढ़ियाँ। भाई ये वाली जो टावर है ना या क्रेन है, पता नहीं क्या चीज़ है, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। देख रहे हो माइकल कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से ऊपर चलते हैं, चल के उससे बातचीत करते हैं। ओके तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, यार इससे भी ऊपर एक सेकंड माइकल नीचे नहीं जा रहा भाई, ऊपर जाना है। ये क्या कर रहा है भाई, बार बार नीचे क्यों चला जा रहा है, मेरे को नीचे नहीं जाना है। ओके मेरे को यहाँ से ऊपर जाना है, बहुत सही। तो गाइस अभी हम लोग टॉप पे आ चुके हैं। ओके ये रहा पीटर, तो क्या हाल है भाई पीटर? तो फटाफट से इससे बात करते हैं और गाड़ी की अभी पूरी बातचीत कर लेता हूँ। तो अभी यार पीटर से मेरी बातचीत होगी और जैसे मैं यहाँ पे आया भाई, पीटर सीधे एक ही चीज़ पूछ रहा है कि आखिरकार माइकल को भी क्या चाहिए। तो मैंने इसको बोला भाई मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मैं यहाँ पे पैसे देने आया हूँ। तो पीटर बोल रहा है कि कौन से पैसे? तो मैंने इसको बोला कि यार जो गाड़ी इसने मेरे को गिफ्ट किया ना, उस गाड़ी का मैं पैसा देना चाहता हूँ। तो पीटर बोल रहा है कि यार वो गाड़ी मैंने भाई खुद करके तेरे को गिफ्ट की थी ना, मेरे को वो गाड़ी वापस चाहिए और ना ही मेरे को पैसा चाहिए। तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई ये बार बार मना कर रहा है, पर पीटर यार वो गाड़ी मैं फ्री में देर से लेना चाहता, और जो मैंने घर तेरे को गिफ्ट किया था वो तेरे को एक दोस्त समझ के गिफ्ट किया है, पर जो गाड़ी तूने गिफ्ट किया है वो तूने बिजनेस के तरह दी थी, क्योंकि ये मेरे से सिर्फ दोस्ती करना चाहता था ताकि मैं इसके सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूं और ये लॉस सांटोस में इलीगल काम करे। तो पीटर यार तेरे को पैसा तो लेना पड़ेगा क्योंकि मैं फ्री में वो गाड़ी नहीं रखने वाला, और गाड़ी मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। तो गाड़ी यार ये मान ही नहीं रहा भाई पीटर, यार मेरे से पैसे ले ले क्योंकि मैं तेरे को गाड़ी वापस नहीं करने वाला हूं। मेरे को फोन या फिर मैसेज में पेमेंट बता दे रहा हूं कि मेरे को कितना पेमेंट और कहां पे पहुंचाना है, क्योंकि यार मैं ना वो गाड़ी फ्री में नहीं ले सकता। और एक सेकंड यार नीचे कहां पे जाऊंगा,
एक सेकंड ऊपर नहीं जा रहा यार, नीचे जाने का रास्ता देखना है। एक सेकंड, मैं आया कहाँ से था भाई, मेरे को समझ में ही नहीं। ओके तो ये रहा पीटर, यहाँ से मेरे को रास्ता दिखा रहा है और बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है कि यार माइकल उसको पैसे ना दे, क्योंकि ये बिल्कुल भी पैसे नहीं लेगा और ना ही माइकल से गाड़ी लेने वाला है। और एक सेकंड, ओ तेरी भाई, मैं गलती से नीचे गिर गया, मेरे यहाँ से पैर स्लिप हो गया था और अभी मेरे को जंप करके नीचे जाना पड़ेगा। और भाई क्या मेरी हालत खराब हो गई है इसकी, तो ऐसी की तैसी भाई बच गया, अभी माइकल की सारी हड्डियाँ टूट जाती, लिफ्ट से मैं ऊपर से गिर गया। तो पीटर मेरे को मैसेज करके बता देना भाई तेरे को जितना भी पैसा चाहिए, बाकी मैं यहाँ से निकलता हूँ। और अगर तेरे को किसी भी काम में हेल्प चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, पर अगर कोई भी इलीगल काम करेगा तो भाई मेरे को तुझे रोकना ही पड़ेगा। तो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। पीटर मेरे को बार बार मना तो कर रहा है, पर मैं गाड़ी फ्री में नहीं रखने वाला हूँ, मैं उससे फ्री मैसेज या फ़ोन में बोल दूंगा कि भाई मेरे को एक पेमेंट बता दे, गाड़ी का मैं पेमेंट कर दूंगा। बाकी फटाफट से अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और अभी ना भाई मेरे को ज्यादा चोट लगी है भाई, इतनी ज्यादा ऊपर से डायरेक्ट में नीचे गिर गया। अच्छा रहा भाई माइकल की कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी, अगर हड्डियां टूट जाती ना तो फिर तो पक्का हॉस्पिटल ही जाना पड़ता। तो फटाफट से अभी गाड़ी को लेते हैं एंड जल्दी से यहां से निकलते हैं। तो अभी मैं यार पीटर से मिलकर यहाँ से जा रहा था और अभी मेरे पास से लेस्टर का कॉल आया और लेस्टर बता रहा है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। तो मैंने लेस्टर से पूछा कि यार आखिरकार अब ऐसा क्या हो गया, क्योंकि लॉस सांटोस में तो अब हमारे कोई दुश्मन भी नहीं है। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार लॉस सांटोस के एक न्यूज़ चैनल में भाई एक खबर बहुत टाइम से चल रही है कि माइकल द प्रेसिडेंट के पास बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी है और वो न्यूज़ चैनल वाले विद प्रूफ एक एक प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। माइकल के सारे कारशूम दिखा दिए, गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, माइकल के पास कितना पैसा है और सारे के सारे लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि माइकल प्रेसिडेंट सिर्फ इसीलिए बना है ताकि वो लॉस सांटोस की पब्लिक के पैसे खा पाए। यार ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। तो अभी मेरे को फटाफट से लेस्टर के पास चलना होगा और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि न्यूज़ चैनल के पास की खबर कहाँ से पहुँच गई कि माइकल के पास इतनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि माइकल जो भी प्रॉपर्टी लेता है वो दूसरों के नाम पर लेता है या फिर एकदम सीक्रेट काम करता है किसी को पता ही ना चले। इसीलिए मैं हर एक कार शोरूम पर अलग मैनेजर रख देता हूँ ताकि सबको लगे कि वो कार शोरूम उन्हीं का है। तो एक काम करते हैं, पहले फटाफट से लेस्टर के पास चलते हैं एंड लेस्टर से पता करते हैं कि यार अभी करना क्या चाहिए। और ये सिटी के लोग एकदम पागल लोग हैं क्या भाई, जहाँ पे मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ ना वहीं पे गाड़ी लेकर आ जाते हैं, अगर मैंने तेज से चला दी ना तो इनकी गाड़ी ना पूरी टूट फूट जाएगी। तो अभी हम लोग लेस्टर के पास पहुंचने वाले हैं और लेस्टर अपने सीक्रेट बंकर में है, जो बंकर मेरे को मिलिट्री के कर्नल ने गिफ्ट किया था। तो लेस्टर मेरे को वहीं पे मिलने वाला है। तो अभी फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं और सीधे वहीं पे चलते हैं एंड रास्ते में इंडियन डॉन के भाई का घर भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी ना इसको बुला के भाई इसे भी ना किसी न किसी काम पर लगा दिया जाए। बाकी यार बंकर में जाने से पहले मेरे को गाड़ी को यहाँ साइड में लगाना होगा, नीचे तो मैं बिल्कुल नहीं लेकर जाने वाला इसे। तो एक काम करते हैं, इसे यहीं पे लगाते हैं एंड फटाफट से नीचे लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर मैं गाड़ी को नीचे लेकर गया ना तो आसपास के लोगों को पता लग सकता है कि पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तुम लोग सामने देख रहे हो वहाँ पे कुछ लोग भाई मॉर्निंग वॉक करने आए हैं। वैसे यार अभी तो वैसे दिन हो चुका है पर पता नहीं कौन सी वॉक चल रही है। तो फटाफट से नीचे चलते हैं और चल के लेस्टर से बात करते हैं। मेरे को पता करना पड़ेगा कि आखिरकार हम लोग उस न्यूज़ को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अगर वो न्यूज़ ऐसी लॉस सांटोस में चलती रही तो पक्का हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे और हो सकता है लॉस सांटोस की गवर्नमेंट भी हमारे पीछे पड़ जाए। तो अभी हम लोग बेस में आ चुके हैं और यहाँ पे ना हम लोग बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे। मैं इस बेस के बारे में ना किसी को बताना ही नहीं चाहता हूँ, बस माइकल और माइकल की टीम को ही पता होगा। तो फटाफट से अंदर चलते हैं। मेरे को लेस्टर अंदर ही मिलेगा क्या, मेरे को तो लगा था कि शायद बाहर खड़ा होगा। ओके तो गाइस ये रहा लेस्टर, फटाफट से इससे बातचीत करते हैं। तो अभी मेरी यार लेस्टर से बातचीत हो गई और लेस्टर को मैंने बोला कि यार कैसे भी करके उस न्यूज़ को बंद कराए, क्योंकि अगर वो न्यूज़ लॉस सांटोस में ऐसी चलती रही तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया कि यार मेरे पास अभी कितना ज़्यादा पैसा है। और अगर लॉस सांटोस की पब्लिक को पता लग गया कि माइकल के पास बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी है तो हम लोग काफ़ी बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो लेस्टर बोल रहे हैं कि यार उसने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, न्यूज़ वालों से बातचीत भी की, उन्हें पैसे देने की कोशिश की, उनके चैनल करे पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कैसे उन लोगों ने किया है।
पर वो न्यूज लगातार चल रही है और अगर ऐसी चलती रही तो हम सब फंसने वाले हैं। तो लेस्टर बोल रहा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, बाकी इसी बेस में रह के अभी वो काम करने वाला है। तो मैंने अभी इंडियन डॉन के भाई को भी बुलाया है, वो भी अभी यहीं पे आ रहा है, मैं उसे भी काम पे लगा दूंगा। इंडियन डॉन के भाई को मैं बोल दूंगा कि यार न्यूज चैनल में जाए, कैसे भी करके इस न्यूज को बंद कराए, पर हमें किसी को मारना नहीं है ना ही कोई नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने गलती से भी किसी को मार दिया तो सब लोग को लगेगा कि माइकल जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तो अभी फटाफट से निकलता है यहाँ से, मुझे नहीं पता ये काम कैसे होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि यार मिलिट्री के कर्नल से भी एक बार बातचीत कर ली जाए, मिलिट्री का कर्नल शायद हमारी कुछ हेल्प कर पाए, क्योंकि लॉस सांटोस की गवर्नमेंट को अगर पता लग जाता है कि माइकल पे कितने पैसे हैं तो हो सकता है वो लोग हमारे पैसे पे कब्जा करें। और एक सेकेंड, मेरी गाड़ी कहाँ गई भाई? मैंने यहीं पे तो पार्क की थी, अभी अभी मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क करके गया और गाइस गाड़ी कहाँ चली गई? यहीं पे तो गाड़ी थी मेरी। भाई मेरे को लग रहा है कि किसी ने यहाँ से गाड़ी चोरी कर ली है। एक सेकंड, मेरे को फटाफट से लेस्टर के पास जाना है, लेस्टर को बाहर बुलाता हूँ और जल्दी से उससे पूछता हूँ कि यार गाड़ी कहाँ चली गई? यार मैंने गाड़ी तो यहीं पर लगाई थी, मेरे को फटाफट से उससे पता करना पड़ेगा। तो अभी मैं लेस्टर से यार बंकर से मिलकर आ गया हूँ और मैंने लेस्टर से पूछा कि यार कुछ भी करके मेरी गाड़ी का पता लगा है। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार यहाँ पे तो कोई भी सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है और उसको नहीं पता कि गाड़ी किसने चोरी की है। तो लेस्टर ने मेरे को याद दिलाया कि यार मैंने ना मिलिट्री वालों से इसके अंदर यार डिवाइस लगवाए थे तो हम लोग गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। माइकल बिल्कुल टेंशन ना ले, वैसे अभी माइकल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। बाकी मैंने इंडियन डॉन के भाई को बुलाया था, यार कार है क्या यार वो यहाँ से अभी तक आ नहीं पाए। और एक सेकेंड यार, यहाँ से मेरे को एक रेंज रोवर नजर आ रही है तो मेरे को लगता है कि जरूर ये इंडियन डॉन का भाई होगा। ओके तो ये आ गया यहाँ पे, तो फटाफट से मैं इसको लेता हूँ और मिलिट्री बेस चलता हूँ। भाई फटाफट से गाड़ी में बैठ, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई है, तो फटाफट से इसको गाड़ी में बैठाते हैं एंड जल्दी से मिलिट्री बेस चलते हैं। अच्छा है हम लोग मिलिट्री के एकदम नजदीक में ही है। और भाई मेरे को ना ये रेंज रोवर ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा स्लो चल रही है, क्योंकि हमेशा भाई मैं सुपर फास्ट अपनी जी वैगन चलाता हूँ और अभी ना ऐसा लग रहा है कि यार ये ना मतलब बैलगाड़ी चला रहा हूँ, इतनी ज़्यादा स्लो लग रही है। तो अभी मेरे को मिलिट्री जाना होगा, मिलिट्री कर्नल से बोल के मैं गाड़ी को ट्रैक करवाने वाला हूँ। अच्छा रहा मैंने उसमें ट्रैकर लगवा रखे हैं, मेरे को नहीं पता मेरी गाड़ी किसने चोरी की है, पर आज जिसने भी चोरी की होगी ना मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उसे बहुत बुरा मारूंगा ताकि आगे से कभी कोई मेरी गाड़ी को चोरी ना करे। और पक्का ना कोई बंदा मेरा पीछा कर रहा होगा, क्योंकि जैसे मैंने गाड़ी को लगा के मैं 5 मिनट के लिए नीचे क्या गया भाई, सीधे मेरी गाड़ी गायब हो गई और वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह भी नहीं लगा है, क्योंकि यार अभी अभी वो बेस रेडी हुआ है तो मेरे को चारों तरफ ना वहाँ पे यार सीसीटीवी कैमरा लगाने पड़ेंगे ताकि आगे से कभी ऐसा ना हो। तो अभी हम लोग मिलिट्री बेस आ चुके हैं और अभी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मेरे को फटाफट से चल के पहले मिलिट्री कर्नल से बात करनी है और गाड़ी को ट्रैक करवाना है। तो मैं यहाँ पे लगा दी रेंज रोवर, फटाफट से मिलिट्री कर्नल का यार यहाँ तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तो गाइस वो बैठा है मिलिट्री कर्नल, फटाफट से उससे बात करते हैं और बोलता हूँ गाड़ी को जल्दी से ट्रैक करवाए। तो अभी मेरी मिलिट्री कर्नल से यार बातचीत हो गई और मिलिट्री कर्नल को मैंने बोला कि यार कैसे भी करके गाड़ी का पता लगाए, भाई मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है। तो तुम लोग यहाँ देख रहे हो मिलिट्री कर्नल अभी फोन पे बात कर रहे हैं और उसके हैकर ने गाड़ी को ट्रैक भी कर लिया है। तो मिलिट्री कर्नल बोल रहे हैं कि यार जिसने भी गाड़ी चोरी की है वो सैंडी शॉर्ट्स की तरफ गाड़ी को लेकर जा रहा है और सैंडी शॉर्ट्स में तो अपना ड्राइवर ही रहता है और उससे सुबह मेरा पंगा भी हुआ था, तो अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। एलेक्स फटाफट से यहाँ से निकल और गाड़ी को लेकर सैंडी शॉर्ट चल, ये काम पक्का ट्रेवर ने किया है और आज मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज उसने फिर से मेरी गाड़ी चोरी की, आज उसकी हालत खराब करने वाला हूँ। तो एलेक्स फटाफट से सैंडी शॉर्ट्स की तरफ गाड़ी लेकर चल, वैसे ऐसे पता नहीं है कि सैंडी शॉर्ट्स कहाँ है, तो मैं अभी मार्क कर दूंगा और ये गाड़ी को अभी लेकर सैंडी शॉर्ट्स चलेगा। ट्रेवर तू आज बचने वाला नहीं है भाई, तूने गलती कर दी मेरी गाड़ी को चोरी करके। और एलेक्स यार गाड़ी को भगा, यार क्या चला रहा है इतनी हल्के, गाड़ी को जितना तेज ले जा सकता है फटाफट से भाई सैंडी शॉर्ट्स लेकर चल। तो अभी हम लोग सैंडी शॉर्ट्स पहुंच चुके हैं और अभी मिलिट्री कर्नल ने मेरे को प्रॉपर लोकेशन भेज दिया है जहाँ पे मेरी गाड़ी है, तो अभी टेंशन की बात नहीं है, गाड़ी मिल जाएगी और ये इलाका ड्राइवर का ही है। तो मुझे पक्का पता है कि यार अपनी गाड़ी ना फिर से यार ड्राइवर ने चोरी की है, पहले भी उसी ने चोरी की थी और आज सुबह तो उसने मेरी गाड़ी तोड़ने की कोशिश की है, तो पक्का उसी के पास होगी। और एक सेकेंड गाइस, तुम लोग देख रहे हो
सामने मेरे को यहाँ पे ट्रेवर नजर आ गया है, तो एलेक्स तू गाड़ी में बैठ, मैं फटाफट से ट्रेवर से बातचीत करके आता हूँ। और अभी एलेक्स को नहीं पता कि यार ट्रेवर कौन है, ये बस कुछ ही लोगों के बारे में जानता है, तो फटाफट से ट्रेवर से बात करते हैं। और ट्रेवर भाई बात सुन, मेरी गाड़ी मेरे को वापस कर दे, मेरे को पता है कि यार तू मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज है, वो गाड़ी मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, मैंने तेरे को बताया था कि यार पीटर के साथ मेरा पंगा चल रहा है, तो गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। यार मेरी बात तो सुन भाई, ये देख रहे हो मेरी बात ही नहीं सुन, ट्रेवर अभी मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरी गाड़ी वापस कर दे नहीं तो यार अच्छा नहीं होगा। ये बंदा यार सुनने को तैयार ही नहीं है, तुम लोग यहाँ देख रहे हो मजे से यहाँ पे डांस करने का नाटक कर रहा है, मेरे को इग्नोर कर रहा है। ट्रेवर अगर तूने मेरी गाड़ी के बारे में नहीं बताया तो मैं तेरी गाड़ी को तेरे ट्रक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और सही में मेरा दिमाग अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो भाई सच बता दे। और ये ऐसे नहीं मानने वाला, तुम लोग देख रहे हो यार कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो एलेक्स भाई तेरे को काम चाहिए था, तो अभी एक काम कर, ट्रेवर से पता कर, और जब तक ये मेरी गाड़ी के बारे में ना बताए भाई से पूछते रहना, मैं यहाँ पे खड़े हो जाता हूँ। भाई एलेक्स कुछ भी हो जाए पता करना है भाई गाड़ी कहाँ पे, मैं गाड़ी ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई ट्रेवर, एक सेकेंड, ये यार लड़ाई झगड़ा करने के मूड से तो नहीं है ट्रेवर ना, क्योंकि ट्रेवर भी अभी एलेक्स को नहीं जानता कि यार कौन है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इन दोनों की लड़ाई हो जाए यहाँ पे, क्योंकि एलेक्स को नहीं पता है कि वो किससे लड़ने गया। और एक सेकेंड भाई, यार मुझे जिस चीज़ का डर था वही हो गया, एलेक्स तूने ट्रेवर को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है, तेरे को पता नहीं है ये बंदा कौन है भाई, ये बंदा बहुत खतरनाक है, मेरे को नहीं पता। अभी मैं इनकी लड़ाई बचाने गया ना तो ट्रेवर उल्टा मेरे को मारने लगेगा, तो इसीलिए मैं बीच में नहीं पड़ने वाला, अब जो होगा देखा जाएगा। पर ट्रेवर भाई, ट्रेवर देखो भाई कितना भारी पड़ रहा है उसके ऊपर, वो एक पंच लगा रहा है, ट्रेवर उतनी देर में दो तीन पंच मार दे रहा है। पर भाई ये लड़ाई ना मेरे को नहीं पता कितनी देर चलने वाली है। ट्रेवर बस कर यार, बस कर, क्यों मार रहा है भाई, बच्चे की जान लेगा क्या? ट्रेवर के सामने तो एलेक्स एकदम बच्चा ही, और एक ये भाग भाग के मार रहा है उसको, पता नहीं। पर यार इंडियन डॉन का भाई भी कम नहीं है, देख रहे हो ट्रेवर के सामने टक्कर ले रहा है, मुझे लग रहा है कि यार ये ट्रेवर को आज भाई यहाँ पे लग रहा है पछाड़ ही देगा, पर ट्रेवर भी कम नहीं है। ओ तेरी, ट्रेवर का एक पंच और एलेक्स इधर नीचे यहाँ पे ढेर हो चुका है। एलेक्स भाई यहाँ देख रहे हो, अब ये भाग कर रहा है, एक सेकेंड यहाँ पे देख रहे हो, अभी मुझे लग रहा है ये अभी इससे लड़ना नहीं चाह रहा है, पता नहीं क्या इन लोगों की लड़ाई, मेरे को शांत करानी पड़ेगी नहीं तो ट्रेवर इसे छोड़ेगा नहीं, ट्रेवर एलेक्स की बैंड बजा देगा। तो अभी मैंने ट्रेवर को यार जैसे तैसे करके रोक लिया, नहीं तो ट्रेवर रुकने ही वाला नहीं था। मैंने ट्रेवर को बोला कि यार ये अपना ही बंदा है यार, इंडियन डॉन का भाई है, तो ट्रेवर बोल रहा है कि यार कोई भी हो चाहे इंडियन डॉन भी आ जाए, अगर मेरा दिमाग खराब करेगा तो मैं उससे भी नहीं छोड़ूंगा। तो अभी मैंने इसे रोक तो लिया, अबे बस कर भाई बस कर यार, अभी लड़ना नहीं है। यहाँ देख रहे हो यार ये बार बार गुस्से में आ जा रहा है, तो ट्रेवर बोल रहा है कि यार वो माइकल से भी नहीं डरता है, अगर माइकल की गाड़ी चोरी की होती तो गाड़ी यहीं पर होती, पर अभी गाड़ी यहाँ पर नहीं है, और इसको नहीं पता गाड़ी किसने चोरी किया है, ये तो सुबह से सैंडी शॉर्ट्स के बाहर ही नहीं गया है, माइकल चाहे तो भाई बार के अंदर जाके पूछ सकता है। तो मुझे लगता है गाइस ट्रेवर एकदम सही बोल रहा है, गाड़ी किसी और ने चोरी की है, ट्रेवर ने नहीं चोरी की थी, पर लोकेशन सैंडी शॉर्ट्स की दिखा रहा है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ट्रेवर यार तू टेंशन ना ले यार, मेरी गाड़ी चोरी हो गई इसीलिए मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था भाई, सॉरी अगर तूने गाड़ी नहीं चोरी की है, पर अगर गाड़ी के बारे में तुझे कुछ भी पता लगता है तो मेरे को प्लीज कॉल करके बता देना। बाकी एलेक्स फटाफट से यहाँ से निकल यार, उसका मूड बहुत ज्यादा खराब है, और तू अगर उसके आसपास रहेगा ना तो भाई वो बहुत बुरा मारने वाला है। भाई एलेक्स भी सोच रहा होगा ये बंदा कौन है, मैंने इसे समझा दिया है भाई, इस बंदे का नाम है ट्रेवर और ये अपनी टीम का सबसे खतरनाक बंदा है। बाकी यार अभी मेरे को फिर से मिलिट्री कर्नल को कॉल करना पड़ेगा, पता करता हूँ कि यार आखिरकार अभी गाड़ी की लोकेशन कहाँ पे दिखा रहा है और गाड़ी है कहाँ पे। तो अभी मैंने यार मिलिट्री कर्नल को कॉल किया था कि गाड़ी की लोकेशन पता करे, तो मिलिट्री कर्नल बोल रहे हैं कि उसने गाड़ी की लोकेशन चेक की और अभी गाड़ी की कोई भी लोकेशन नहीं दिखा रहा है, और ना ही हम लोग गाड़ी को ट्रैक कर पा रहे हैं, गाड़ी के अंदर से ट्रैकर निकल गए हैं, और अभी उसको नहीं पता कि हम लोग गाड़ी को कैसे ढूंढेंगे। तो गाइस मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी के अंदर कई सारे ट्रैकर लगाए थे और शायद उन लोग को पता लग गया होगा, वो लोग हम पे नज़र रख रहे हैं, इसीलिए गाड़ी के ट्रैकर वगैरह उन लोगों ने निकाल दिए हैं। और एलेक्स अभी मेरे को एक आइडिया दे रहा है, एलेक्स बोल रहा है कि उन्हें हम लोग पुलिस स्टेशन चलें, लॉस सांटोस की सारी पुलिस को गाड़ी ढूंढने में लगा दें, अगर वो गाड़ी लॉस सांटोस सिटी में है तो पक्का पुलिस को ज़रूर दिखेगी, क्योंकि लॉस सांटोस की पुलिस चारों तरफ यार घूमती रहती है। तो यार ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो अभी एक काम करते हैं फटाफट से यार अपनी रेंज रोवर को भगाते हैं, सीधे चलते हैं लॉस सांटोस के पुलिस स्टेशन और पुलिस को इस काम पे लगाते हैं, कैसे भी करके मुझे अपनी गाड़ी को ढूंढना है,
भाई माइकल की फेवरेट कार है जी वैगन, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, कुछ भी करके मेरे को ढूंढना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग लॉस सांटोस के पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं और मैंने ना एलेक्स को रास्ते में उतार दिया। मैंने एलेक्स को बोला कि एक काम करे ना, वो रास्ते से कोई गाड़ी का इंतजाम करके भाई सैंडी शॉर्ट्स में ना चक्कर लगाए, क्या पता अपनी गाड़ी वहां पे मिल जाए। तो एलेक्स अपना भाई वहां पे काम करेगा। और अभी मैं आ चुका हूँ लॉस सांटोस के पुलिस स्टेशन में। यार अपना कैप्टन जो अपना दोस्त था यार, वो तो मर चुका है, तो यार वो यहाँ पे नहीं है, शायद नया कोई कैप्टन आया होगा, मेरे को नहीं पता है। पर अभी फटाफट से अंदर चलना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ देख रहे हो यहाँ पे सॉर्ट की सिक्योरिटी है, फटाफट से अंदर चलते हैं और सारे बंदों को मैं काम पे लगाता हूँ। मैं अभी अपने बॉडीगार्ड को भी कॉल करने वाला हूँ, क्योंकि बॉडीगार्ड ना पलीटो के साइड किसी काम से गया था, उसको भी मैं बता देता हूँ कि यार अपनी गाड़ी चोरी हो चुकी है, तो कैसे भी करके पता लगाए। तो अभी मेरी यार यहाँ पे पुलिस वाले से बातचीत हो गई और मैंने इसको बता दिया है कि भाई मेरी फेवरेट कार चोरी हो चुकी है, जिसको मेरे को कैसे भी करके ढूंढना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पूरे लॉस सांटोस में लॉकडाउन लगाओ, चक्का जाम लगाओ, कुछ भी करो, बस मेरी गाड़ी मेरे को ढूंढ के दो। तो यहाँ पे अभी तुम लोग देख रहे हो ये बंदा ये मैसेज पूरे लॉस सांटोस के भाई पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर रहे हैं। सारे के सारे पुलिस वाले अभी काम पे लगने वाले हैं, मेरे को मेरी गाड़ी ढूंढनी है। सारे काम बाद में होंगे, जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो सारी चीज़ें बाद में करो, पर पहले मेरी गाड़ी का पता लगाओ। तो यहाँ पे जितने भी सॉर्ट के बंदे हैं, तुम लोग यहाँ देख रहे हो ये ऑफिसर आ चुका है। तो ऑफिसर मेरी गाड़ी को ढूंढ, कुछ भी हो जाए मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। तो अभी मैंने लॉस सांटोस की सारी पुलिस को काम पे लगा दिया है। वैसे एलेक्स का आइडिया है तो काफी ज्यादा बढ़िया, अगर लॉस सांटोस में वो गाड़ी घूम रही होगी तो मेरे को पता तो चल जाएगी, बाकी मेरे को नहीं पता वो ऑफिसर कर क्या रहा है। यार फटाफट से गाड़ी को ले और यहाँ से निकल। ये लोग लॉस सांटोस में हर एक पुलिस स्टेशन में ये मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे। लॉस सांटोस के सारे पुलिस वाले अभी इस काम पे लग जाएंगे और मेरी गाड़ी को ढूंढेंगे। बाकी मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ और मैं भी अपनी गाड़ी को ढूंढता हूँ, क्योंकि कुछ भी करके यार मुझे अपनी गाड़ी वापस चाहिए। तो अभी यार मैं अपनी गाड़ी को सिटी में ढूंढ रहा था और अभी मेरे पास पीटर का कॉल आया और पीटर बोल रहा है कि यार उसको सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि माइकल की फेवरेट कार चोरी हो चुकी है। तो मैंने उसको बोला कि भाई उसको कैसे पता लगा, तो पीटर बोल रहा है कि न्यूज़ में हर किसी को पता लग चुका है कि माइकल की गाड़ी चोरी हो गई है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई न्यूज़ वालों को कैसे खबर मिल जाती है। बाकी मैंने पीटर को बोला है कि अगर उसको मेरी गाड़ी दिखाई देती है तो प्लीज़ मेरे को कॉल करे, क्योंकि वो गाड़ी मेरे को कैसे भी चाहिए। बाकी मैं दोबारा से यार सैंडी शॉर्ट्स की तरफ जा रहा हूँ, शायद मेरे को यहाँ से अभी कुछ पता लग पाए, क्योंकि उस गाड़ी को अभी हम लोग ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो उसकी लोकेशन मिल जाती। मैंने अपने हैकर्स को, लेस्टर को, सबको काम पे लगा दिया है, कैसे भी करें लॉस सांटोस के सारे कैमरास को हैक करें, गाड़ी का पता लगाएं। तो अभी यार मैं सैंडी शॉर्ट्स में अपनी गाड़ी को ढूंढ रहा था और अभी मेरे पास अपने हैकर का कॉल आया और हैकर बोल रहे हैं कि यार लास्ट बार सीसीटीवी कैमरे में माइकल की कार पलीटो के साइड नज़र आई है, तो माइकल एक बार पलीटो के साइड चले जाए। तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। बाकी यार अपनी पूरी टीम गाड़ी को ढूंढ रही है, ट्रेवर भी लग चुका है, इंडियन डॉन, गोल्ड माफिया, डगन बॉस, सबको लगा दिया है, क्योंकि सारे के सारे बंदों को पता है कि यार वो गाड़ी ना माइकल के लिए बहुत ज़्यादा प्यारी है और माइकल की फेवरेट कार है, इसीलिए अपनी पूरी टीम अभी गाड़ी को ढूंढ रही है। और जिसने भी ये काम किया है ना भाई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बहुत बुरा मारूंगा। बाकी फटाफट से अपनी गाड़ी को भिगाते हैं, पलीटो के साइड चलते हैं। मैंने हैकर को बोला है कि यार वहाँ पे ना शॉप वगैरह है, रेस्टोरेंट है, उनके कैमरास को भी हैक करें, क्या पता हम लोग को लोकेशन मिल जाए। और ये बाइकर गैंग वाले बंदे देख रहे हो, पता नहीं बीच में तेरी तो ऐसी की तैसी, भाई मेरे से लड़ने के लिए यहाँ पे कर रहे ना, पहले तो मैं इसको नीचे उतार दो, तू भी यहाँ से नीचे से उतर। और एक सेकंड देख रहे हो, आ जाओ बेटा, तुम दोनों आ जाओ यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे लड़, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और इनको तो मैं आ जाओ तेरी यहाँ से, भाई इससे मार है तेरी, तो कुल्हाड़ी से मार दो, हथौड़ी से इसका सर निकल यहाँ से, माइक हथौड़ी मार इसके सर में, भाई बीच में आके दोनों लड़ना चाह रहे मेरे से, टपका दिया दोनों को, गोली नहीं चलाने वाला मैं, इनको तो हाथ से ही मार दूंगा। तो फटाफट से अपनी रेंज रोवर को लेते हैं और जल्दी से चलते हैं पलीटो के साइड, क्या पता मेरे को वहाँ पे गाड़ी मिल जाए, क्योंकि हैकर बता रहा था कि यार 10 मिनट पहले गाड़ी को वहीं से जाते हुए देखा है और हो सकता है कि यार आसपास के कैमरास को वो चेक कर ले तो गाड़ी की लोकेशन भी मिल जाए। तो अभी हम लोग पलीटो के साइड आ चुके और अभी मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। तो अभी हैकर बता रहा था कि यार वो गाड़ी ना पलीटो में ही है, पलीटो से बाहर नहीं निकली है, क्योंकि उसने हाईवे पे कैमरा चेक किए, तो गाड़ी बाहर तो नहीं गई है, पक्का पलीटो में ही गई होगी। मैं एक काम करता हूँ ना, एक बार बीच के साइड चेक करता हूँ, क्या पता वो लोग गाड़ी को लेकर कहीं जा रहे हो। और एक सेकेंड, तुम लोग यहाँ देख रहे हो ये बाइकर गैंग के बंदे बार बार आ कहाँ से जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ देखो
यहाँ पे भी जा रहे हैं, इसकी तो निकल यहाँ से तेरी, तो ये बंदे मेरे को वहाँ पे मिले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार गाड़ी चोरी करने में इन्हीं लोगों का हाथ हो। तीनों को तो पहले मैंने इन तीनों को ठिकाने लगाया, दो अभी मेरे को वहाँ पे मिले थे। और एक सेकेंड मैं ना एक बार नीचे के साइड जाके चेक करता हूँ, क्योंकि अपना हैकर बोल रहा है कि गाड़ी ना इस हाईवे से आगे नहीं निकली है, पर गाड़ी यहाँ तक आई है। तो हो सकता है कि गाड़ी को इन लोगों ने यहाँ कहीं पे छुपाया हो, या फिर यहाँ से कहीं और लेकर जा रहे हो। तो मेरे को एक बार इस साइड जाके भी चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार मैं आया हूँ और यहाँ पे बहुत सारे काम होते रहते हैं। एक सेकेंड, देखो गाड़ी को आराम से चलाना है, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे हुए और उन लोगों ने मेरी कार की आवाज़ सुन ली तो वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। मैं काम करता हूँ, रेंज रोवर को यहाँ पे लगाता हूँ, फटाफट से ऊपर चल के चेक करते हैं, शायद यहाँ से वो लोग मेरी गाड़ी को पानी से कहीं और लेकर जा रहे हों। एक सेकेंड गाइस, यहाँ तो कोई नहीं है, पर वहाँ पे मेरे को कुछ बंदे नजर आ रहे हैं। वो रही अपनी कार, तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस, यहाँ पे तो गैंग के बंदे भरे हुए हैं। जैसा कि मेरे को लग रहा था, अपने हैकर ने बिल्कुल सही बताया था, 10 मिनट पहले पलीटो से गाड़ी यहाँ तो आई होगी, पर यहाँ से आगे नहीं गई है, इसीलिए मैं यहाँ पे चेक करने आया। और गाड़ी गैंग वाले बंदों ने चोरी की है, पर इन लोगों ने चोरी क्यों की यार? अभी तो हम लोगों ने इनसे पंगा भी नहीं लिया, मेरे को नहीं पता, हो सकता है इन्हें पता लग गया होगा कि यार ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए गाड़ी चोरी करी होगी। यहाँ तुम लोग देख रहे हो, वो रही अपनी कार। गाइस तुम लोग यहाँ बंदे को देख रहे हो, ये तो पीटर का भाई है ना, गाड़ी इसने चोरी कराई थी। यार मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा कि यार ये बंदा भी तो गाड़ी चोरी करा सकता है, अगर ये सोच लिया होता तो गाड़ी कब की मिल गई होती। तो इसने ज़रूर मेरे ऊपर नज़र रख पाई होगी जहाँ जहाँ पे मैं जा रहा था, एंड जैसे ही गाड़ी मैंने अपनी सीक्रेट बंकर के ऊपर लगाई, इसने वहाँ से गाड़ी चोरी करवा दी, क्योंकि इसको भी पता था वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, मेरे को कभी पता नहीं लगेगा। और शायद इसने यार ट्रैकिंग डिवाइस भी निकाल दिए थे, इसीलिए मैं गाड़ी को ट्रैक नहीं कर पाया। पर इससे ये नहीं पता है कि मेरे पास कितने खतरनाक हैकर हैं जो कि कुछ भी हैक कर लेते हैं। तो उन लोगों ने कैमरा को हैक किया और मेरे को यहाँ की लोकेशन पता लग गई, और अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तुम लोग देख रहे हो, गैंग के बंदे इसने हायर तो बहुत ज़्यादा किए हैं, पर इसको ये नहीं पता इनमें से कोई बंदा इसे बचा नहीं पाएगा। मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक मिनट, एक एक बंदे को बुरी तरीके से मारूंगा, और खासकर पीटर के भाई को, ये बंदा मेरे हाथ से नहीं बचेगा, इसको मैं बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं सारे बंदों को टपकाता हूँ, पीटर के भाई को तो मैं ऐसी छोटी मोटी मौत नहीं दूंगा, इसे गंदा ही मारने वाला हूँ। तो अभी एक एक करके मुझे इन सबको ख़त्म करना पड़ेगा, और तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। और एक सेकेंड, यहाँ देख रहे हो गाइस बहुत ज़्यादा बंदे हैं भाई, तुम लोग देख रहे हो एक साथ गोलियों की बरसात हो चुकी है, और ये सारे के सारे चाइनीज गैंग वाले लग रहे हैं, जो कि पैसे लेकर किसी की भी सुपारी ले लेते हैं, पर इन लोगों ने प्रेसिडेंट की सुपारी लेकर सही नहीं किया। इन्हें नहीं पता है कि मैं कितनी बुरी तरीके से मारने वाला हूँ, इन्हें लग रहा है कि माइकल प्रेसिडेंट बन गया है, तो माइकल ने लोगों को मारना छोड़ दिया है। मैं लॉस सांटोस की पब्लिक को नुकसान नहीं पहुँचाता, पर गैंग वाले बंदे मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं, और यहाँ पे पूरी तरीके से मेरे को गोलियाँ तो पड़ रही हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों से निपटना तो पड़ेगा ही, अगर इनको नहीं मारा तो मेरी गाड़ी मेरे हाथ से चली जाएगी और मेरे को कवर में रहना पड़ेगा। एक सेकंड कवर में जाना पड़ेगा, लगातार मेरे को बहुत ज़्यादा गोलियाँ पड़ रही है। माइकल कवर में क्यों नहीं जा रहा है भाई, गुस्से में माइकल बहुत ज़्यादा है। और एक सेकंड गाइस, यहाँ बहुत ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, मेरे को थोड़ा पीछे हट के कवर में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो आर्मर है वो ज़्यादा देर तक मेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। एक सेकंड, पहले पेड़ का कवर लेते हैं, बहुत सही, अभी आराम से मारता हूँ कवर में रहकर, क्योंकि अगर मैं कवर से बाहर निकला तो गड़बड़ी हो जाएगी। यार ये लोग ऊपर के साइड भी जा रहे हैं, ये लोग मेरे को चारों तरफ से घेर रहे हैं, मेरे को कैसे भी करके गाड़ी के पास पहुँचना है, कैसा ना हो कि मेरी गाड़ी वहाँ से गायब हो जाए। तेरी तो निकल यहाँ से भाई, देख रहे हो कितने ज़्यादा बंदे हैं यार, कम से कम 100 बंदे तो यहाँ पे इन लोगों ने मंगा के रखे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, 100 लोग भी भाई यहाँ पे पीटर के भाई को बचा नहीं पाएंगे। तेरी तो निकल यहाँ से, अभी मुझे लगता है गाइस मेरे को लॉन्चर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन बंदों की तादाद कुछ ज़्यादा ही हो रही है। यहाँ देख रहे हो भाई, फिलहाल गैंग वाले और ग्रीन गैंग वाले भी बंदे मेरे को नज़र आ रहे हैं, वैसे चाइनीज गैंग भरी पड़ी है यहाँ पे भाई, हर तरफ से आ रहे हैं। अभी मेरे को लॉन्चर निकालना ही पड़ेगा, अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लॉन्चर से मेरे को मारना पड़ेगा कहीं से, अगर मैंने लॉन्चर नहीं चलाया तो यहाँ पे मेरी बैंड बचने वाली है। निकल 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 माइकल निकल, इनसे बचना पड़ेगा गाइस, बहुत ज़्यादा बंदे हैं। तेरी तो ऐसी की तैसी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मेरी गाड़ी चोरी की है। यहाँ देख रहे हो मैं लॉन्चर मार रहा हूँ, देख रहे हो कुछ बंदे मर ही नहीं रहे यार,
हद है इनकी तो, निकलो यहाँ से भाई। लॉन्चर खत्म होने वाला है पर बंदे खत्म नहीं होने का नाम ले रहे। कितने बंदे हैं यार, एक सेकंड, अभी तो मुझे गन निकालनी पड़ेगी क्योंकि लॉन्चर से ये लोग जंप करके ना कैसे भी करके बच जा रहे हैं। तेरी तो निकल यहाँ से, पर ये मेरे हाथ से नहीं बचेंगे यार। बंदा छुपा हुआ है, निकल तेरी, तो तू भी निकल यहाँ से। अभी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और अभी मैं इनको बाद में मारूंगा। पहले मुझे अपनी गाड़ी की तरफ जाना है, फटाफट से मेरे को अपनी गाड़ी को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। और एक सेकंड गाइस, वो रही मेरी गाड़ी और वो रहा पीटर का। भाई तेरी निकल यहाँ से भाई, ये बंदा मेरे हाथ से बचने वाला नहीं। अब कहाँ भाग रहा है भाई, ये बंदा मेरे हाथ से बहुत बुरी तरीके से मरने वाला है। माइकल को देखते ही इसने भागना स्टार्ट कर दिया है। गाइस गाड़ी को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो ये बंदा बच गया। तेरी तो गाइस यहाँ देख रहे हो तुम, इस बंदे ने मेरी गाड़ी की हालत क्या कर दी है भाई, इसने मेरी पूरी की पूरी गाड़ी उड़ा दी। तेरी तो निकल यहां से भाई, मेरे पास लॉन्चर है ना भाई, इस बंदे ने मेरी गाड़ी उड़ाई और यहां से भाग गया जेट्स की लेके। मैं इसका पीछा भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि आसपास कोई बोट नहीं है और इसने मेरी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया। गाइस तुम लोग गाड़ी की हालत देखो, गाड़ी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्या हालत हो गई भाई इसकी, पूरी की पूरी गाड़ी उड़ चुकी है। मुझे लगता है इन लोगों ने गाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया होगा, इसीलिए गाड़ी यहाँ पे टूट चुकी है। पर गाड़ी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने के बाद भी देख रहे हो इसका पेंट वगैरह भी नहीं निकला। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि यार अपनी यहाँ पे जी वैगन डिस्ट्रॉय हो गई। और भाई पीटर के भाई ने अच्छा नहीं किया इस गाड़ी को तोड़ के, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जहाँ मेरे को मिलेगा मैं उसको वहीं ख़त्म कर दूंगा। अब उसे पीटर भी नहीं बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग यहाँ देख रहे हो इसने माइकल की फेवरेट कार को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो भी बुरी तरीके से। गाड़ी की हालत तुम लोग देख रहे हो, इसके गेट्स निकल चुके हैं, इसके टायर निकल चुके हैं, पूरी तरीके से जल चुकी है भाई, अब चलेगी भी नहीं, पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूं। और एक ये लोग यहाँ पे जंप क्यों कर, तुम्हारी तो एक सेकंड, निकलो यहाँ से। ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, मेरी गाड़ी टूट चुकी है और यहाँ देख रहे हो इन लोगों को मज़े आ रहे हैं। तो अभी मैं एक ही काम कर सकता हूँ कि यार मैं कैसे भी टो ट्रक वाले को बुलाऊँ और इस गाड़ी को मैकेनिक की शॉप पर लेकर चलूँ। भाई गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तो अभी मैंने मैकेनिक को यार कॉल करके यहाँ पे टो ट्रक बुला लिया है। और अभी माइकल यार बहुत ज़्यादा सैड है, माइकल को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। माइकल को समझ नहीं आ रहा है कि यार इस गाड़ी को कैसे रिपेयर कराए, क्योंकि ये गाड़ी ना फुली कस्टमाइज थी और लॉस सांटोस के बाहर से बन के आई थी। लॉस सांटोस में तो इसके पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे। मेरे को नहीं पता मैं इस गाड़ी को दोबारा रिपेयर करा पाऊँगा या नहीं करा पाऊँगा। बस अभी टो ट्रक वाले का इंतज़ार करते हैं और इस गाड़ी को कस्टम की शॉप पर पहुँचाते हैं। गाड़ी की हालत देखो यार, इसकी हालत मेरे से देखी नहीं जा रही है यार, बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है भाई। इसका बदला तो पीटर का भाई देगा। जैसे उसने मेरी गाड़ी को उड़ाया बिल्कुल वैसे ही बॉम्ब लगा के मैं उसे उड़ाने वाला हूँ भाई, उसे भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाकी वो रहा टो ट्रक वाला, अच्छा रहा यहाँ पे कस्टम की शॉप थी तो मैंने मैकेनिक को कॉल करके यहाँ पे टो ट्रक मंगा तो लिया है, पर इस गाड़ी को मेरे को यहाँ से लॉस सांटोस पहुँचाना होगा। ये गाड़ी वहीं रिपेयर हो सकती है और मेरे को लगता नहीं है कि ये रिपेयर हो पाएगी क्योंकि उसके पास बिल्कुल पार्ट्स नहीं थे। हेडलाइट बहुत ज़्यादा मुश्किल से पड़ी थी, तो मैकेनिक ने अभी देख तो लिया है। जल्दी से गाड़ी को अटैच कर, फटाफट से इस गाड़ी को लेकर चलना पड़ेगा भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो अभी मैकेनिक ने यार गाड़ी को अटैच कर लिया और ये बोल रहा है कि यार ये गाड़ी तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, इस गाड़ी का तो एक एक अंजर बंजर ढीला हो गया, ये गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो पाएगी। तो मैंने मैकेनिक से बोला कि बस कैसे भी करें इस गाड़ी को कस्टम की शॉप पे पहुंचा दे, वहाँ चल के देखते हैं कि यार आखिरकार क्या होता है। और इस गाड़ी को ना हमें लॉस सांटोस कस्टम पे लेकर जाना है और भाई इसे खींचना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मेरे को लग नहीं रहा कि ये जा पाएगी क्योंकि इसका एक टायर है ही नहीं। मेरे को लग रहा है मैकेनिक इसे ले जा नहीं पाएगा। एक सेकेंड भाई, मेरे को लग नहीं रहा है कि यार इससे जा पाएगी। एक काम कर मैकेनिक, गाड़ी को डी अटैच कर और बड़ा वाला ट्रक लेकर आ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि यार ये गाड़ी इससे जा पाएगी। देख रहे हो इसका एक टायर ही नहीं है, अगर और पीछे वाला भी टायर यहाँ पे देखो टूट चुका है इसका। अगर इसके अंदर टायर होते तो शायद ये जा पाती। एक बार गाड़ी को डी अटैच कर और जल्दी से बड़ा वाला ट्रक लेकर आ।
तो अभी मैंने मैकेनिक को यार भेज दिया है क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा हैवी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है, तो इसको टो ट्रक से ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो मैंने अभी मैकेनिक को भेज दिया है, अभी उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी हमें एक बड़ा वाला ट्रक चाहिए। बाकी मैंने अपने टीम को बंदों को कॉल कर दिया है कि यार गाड़ी मिल तो चुकी है पर गाड़ी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ये काम पीटर के भाई ने किया है, तो अभी हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने अपनी टीम को बोल दिया कि कैसे भी पीटर के भाई को ढूंढें और अगर वो उन्हें मिलता है तो सीधे मेरे पास लेकर आए। तो अभी यार काफ़ी देर हो चुकी है मैकेनिक का इंतज़ार करते करते और पता नहीं वो कब तक आने वाला है और मैं यहाँ पे खड़े खड़े भाई थक चुका हूँ। मैं कब से यार यही सोच रहा हूँ कि पता नहीं ये गाड़ी रिपेयर होगी या भी नहीं होगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और एक सेकेंड, वो रहा मैकेनिक भाई आ चुका है ट्रक लेकर। इस बंदे की भी यार बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, पहले तो ये टो ट्रक लेकर आ गया जिसमें अपनी गाड़ी नहीं गई, अभी इस ट्रक के अंदर इसे चढ़ाना पड़ेगा और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि गाड़ी को खींच भी नहीं सकते, गाड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो अभी मैकेनिक ने यार जैसे तैसे करके यार गाड़ी को भाई ट्रक के अंदर चढ़ा दिया और ये काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी गाड़ी को मैं चलाने वाला हूँ, बस तू कैसे भी करके बैठ जा, मतलब ट्रक को मैं चलाने वाला हूँ क्योंकि ये मैकेनिक ना थोड़ा सा यार स्लो लग रहा है, ट्रक को लाने में भी इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। और अभी हमें जाना है लॉस सांटो सिटी, तो मुझे लगता है ये जाने में काफ़ी टाइम लगा देगा और साथ में मुझे इसे रास्ता भी बताना पड़ेगा, तो इसीलिए काम करते हैं भाई फटाफट से ट्रक को पहले ऊपर चढ़ाते हैं एंड यहाँ खड़ी अपनी रेंज रोवर पर। अभी मैं रेंज रोवर को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, इसको हम लोग बाद में लेने आ जाएंगे। फटाफट से अभी भाई ट्रक को लेकर चलते हैं सीधे कस्टम की शॉप पे और चल के मैकेनिक से बात करते हैं। तो अभी हम लोग सिटी में यार पहुँच चुके हो और यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है यार, ये ट्रक ना बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो अभी मेरे को कैसे भी करके यार कस्टम की शॉप पे चलना है। मैंने मैकेनिक को कॉल कर दिया है, तो मैकेनिक बोल रहा है कि यार वैसे वो बिजी है पर माइकल आ जाए, सबसे पहले माइकल का काम होगा। तो एक काम करते हैं फटाफट से इसको यहाँ पे आराम से मोड़ते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यार ये ना ट्रक से नीचे उतर जाए, वैसे भी चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अभी मुझे इसे आराम से चलाना पड़ेगा और ये रही भाई कस्टम की शॉप, फटाफट से अंदर लेकर चलते हैं। और मैकेनिक बिना एकदम शॉक हो जाएगा, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे हेडलाइट डला के गया था और अभी तो हम लोगों ने पूरी की पूरी गाड़ी तोड़ दी और ये ट्रक अंदर जा पाएगा क्या, मेरे को लग नहीं रहा है। एक सेकंड, नहीं जा सकता ये ट्रक अंदर नहीं जा पाएगा, हमें इस गाड़ी को अंदर ले जाना होगा। तो अभी गाड़ी को नीचे उतारने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फटाफट से चल के मैकेनिक से बात करते हैं और से गाड़ी को दिखाते हैं। तो अभी मैंने मैकेनिक को यार समझा दिया और अभी मैं मैकेनिक को लेकर आ चुका हूँ भाई फटाफट से बाहर। और ये देख अपनी गाड़ी की हालत क्या हो गई है यार, अभी मैं इसे थोड़ी देर पहले हेडलाइट डला के गया था, इसने सोचा नहीं होगा कि अपनी जी वैगन ऐसी हालत में यहाँ पे आएगी। भाई मेरे को ना बस हेडलाइट नहीं डलानी थी पर अभी तो मुझे लगता है पूरी की पूरी गाड़ी नहीं बनवानी पड़ेगी। और ये कह रहा है कि भाई इसके बस की नहीं है इस गाड़ी को रिपेयर करना क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है, बस इसकी बॉडी यहाँ पे रह गई है, बाकी पूरी गाड़ी का इंजन अंदर से इंटीरियर सब कुछ गायब हो गया है। यार कुछ तो कर भाई, ये गाड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी है, इस गाड़ी को मैं ऐसे खो नहीं सकता हूँ, ये गाड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। कहीं आप लोग कमेंट करके बताओ यार क्या किया जाए क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा इस गाड़ी का क्या करना चाहिए। बाकी यार मैकेनिक अभी गाड़ी को अंदर लेकर गया है, मेरे को नहीं पता कि यार वो गाड़ी अभी रिपेयर होगी या नहीं होगी। मैकेनिक ने वैसे मना कर दिया था पर मैंने उसे फोर्स किया, मैंने उसको बोला कि यार एक बार वो गाड़ी को अच्छे से चेक कर ले, क्या पता गाड़ी रिपेयर हो जाए। मेरे को इतना तो पता है कि यार गाड़ी का ना एक एक पार्ट मेरे को बाहर से मंगवाना होगा क्योंकि वो गाड़ी ना फुली कस्टमाइज है, तो उसके अंदर जी वैगन के पार्ट्स लगेंगे ही नहीं, इसीलिए हम लोग को ऑर्डर देके बाहर से मंगवाना है। पर सबसे मेन यार देखो उसका इंजन है, अगर इंजन ठीक हो जाता है तो हम लोग पूरी गाड़ी को रिपेयर कर लेंगे। बाकी यार जो मैकेनिक मैं पलीटो से लेकर आया था वो गाड़ी लेकर यहाँ से जा चुका है, ट्रक लेकर गया है, मैंने उसको पैसे वगैरह दे दिए हैं। बाकी फटाफट से अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने वाला, दोबारा मेरे को अपनी गाड़ी देखने का बिल्कुल मन नहीं है यार, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार पीटर के घर पे और अगर उसका भाई मेरे को वहाँ मिल गया ना तो अभी के अभी मैं उसको ठोक दूंगा भाई, बिल्कुल मैं सोचने ही वाला नहीं हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी मैंने ये गाड़ी यार मैकेनिक की शॉप से उठा ली है, मेरे को नहीं पता ये गाड़ी किसकी है, हम लोग बाद में दे देंगे। पर अभी मेरे को फटाफट से पीटर के घर पे जाना है और पीटर का घर ज़्यादा दूर पे नहीं है, मैंने उसको वैसे कॉल किया था पर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मुझे लगता है उसको पता लग गया होगा कि उसके भाई ने काम क्या किया है। पीटर तो ऐसा काम कभी नहीं करेगा मेरे को पता है, पर उसके भाई ने मेरी गाड़ी चोरी करके और गाड़ी को डिस्ट्रॉय करके
अच्छा नहीं किया है, अब वो मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है। उसने गाड़ी चोरी की थी, अगर वो गाड़ी को वापस कर देता ना तो मैं उसको एक बार को फिर भी छोड़ देता, पर उसने मेरी गाड़ी चोरी की भाई, मेरे पे अटैक करवाया और मेरी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया, अभी वो बचने वाला नहीं है। ये रहा उसका घर, फटाफट से अंदर चलते हैं, मैंने गन निकाल लिया है और अभी मेरे को सीधे अंदर जाना है। और एक सेकेंड, ये कौन है मेरे को नहीं पता, पीटर अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी मिलता है मैं छोड़ने वाला नहीं। एक सेकेंड, ये गेट लॉक है, ओके तो मेरे को पीटर के भाई को ढूंढना है और अगर वो मेरे को मिल जाता है, ये वाला गेट खुल गया, पीछे के साइड जा रहा है, एक सेकेंड पूल के साइड, ओके यहाँ पे भी मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वो बंदा लॉस सांटोस के बाहर बिल्कुल नहीं चाहेगा, मैंने अपनी पूरी टीम को हर एक जगह फैला दिया है, हर एक चीज पे वो लोग नजर रख रहे हैं, फ्लाइट पे, ओशन पे, हर एक जगह। बाहर तो वो जा नहीं पाएगा, वो पक्का लॉस सांटोस के अंदर ही कहीं छुपा है। मेरे को फटाफट से अंदर जाना है, मैं घर में कोई नुकसान नहीं करने वाला क्योंकि ये घर उसके भाई का नहीं है, ये घर है पीटर का और मैंने उसे घर गिफ्ट किया था और मैं इस घर को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता क्योंकि इसमें यार पीटर की कोई गलती नहीं है, उसने तो मेरे को गाड़ी गिफ्ट की थी और वो तो मेरे से पैसे भी नहीं ले रहा था। ये काम पक्का पीटर के भाई ने किया है। वो बंदा मेरे हाथ एक बार लग जाए उसको तो मैं बहुत ही तगड़ा वाला सबक सिखाने वाला हूँ, मेरे हाथ से बचेगा ही नहीं। उसने बहुत बड़ी गलती की है मेरी गाड़ी को डिस्ट्रॉय करके, अगर वो एक बार को मेरे कार शोरूम को भी उड़ा देता ना तब भी मैं उसे छोड़ देता, पर गाड़ी को उसने डिस्ट्रॉय करके अच्छा नहीं किया है। मुझे लगता है कि यार वो अपने घर पे नहीं आया है, वो पक्का कहीं ना कहीं और गया होगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से अपने हैकर को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ उसके फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करे और पता लगाए वो गया कहाँ है। तो अभी मेरी हैकर से यार बातचीत होगी और हैकर बोल रहा है कि यार उसका ना फ़ोन बंद जा रहा है और जो उसकी लास्ट लोकेशन है वो पलीटो के ही दिखा रहा है, मतलब मुझे लगता है कि यार वो ना अपना फ़ोन वहीं पे फेंक कर वहाँ से भाग गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा देर तक वो बच नहीं पाएगा, मैं भी जा रहा हूँ लेस्टर के पास और लेस्टर यार कुछ भी करके उसको ज़रूर ढूँढेगा। एक बार वो बंदा हमारे हाथ लग जाए उसके बाद तो मैं उसको बहुत बुरा मारने वाला हूँ। अब चाहे पीटर बीच में आ जाए या कोई भी आ जाए वो मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। वैसे पीटर को मैंने फ़ोन तो किया था ताकि मैं उसके भाई के बारे में सब कुछ उससे बता पाऊँ, पर पीटर मेरा कॉल नहीं उठा रहा है और अच्छा ही है अगर उसे ना ही पता चले और मैं उसके भाई को पहले ही ख़त्म कर दूँ। फटाफट से अभी गाड़ी को भगाते हैं, सीधे चलते हैं लेस्टर के पास, लेस्टर ज़रूर उसको ढूंढने में हेल्प करेगा। और ये गाड़ी यार चल तो काफ़ी बढ़िया रही है पर इसकी कंट्रोलिंग काफ़ी ख़राब है। तो अभी हम लोग लेस्टर के पास पहुंचने वाले और गाइस अभी मेरे पास पीटर का कॉल आया था और पीटर मेरे से बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि यार उसके भाई से एक गलती हो गई है, माइकल उसको कुछ भी ना करे। तो मैंने भाई सीधे फ़ोन कट कर दिया है क्योंकि मैं अभी उसकी बात नहीं सुनने वाला हूँ। उसने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि उसे मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय नहीं करनी थी, उसे इतना पता लग गया था कि मुझे वो गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, मेरी फेवरेट कार बन चुकी है, इसीलिए पीटर के भाई ने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय की क्योंकि वो मेरे को परेशान करना चाहता है। और अब भाई उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं चाहे कोई भी बीच में क्यों ना आ जाए। तो फटाफट से सीधे लेस्टर के पास चलते हैं और बंकर में बैठ के लेस्टर उसे जरूर ढूंढ लेगा कुछ ना कुछ करके। बाकी यार इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, कॉमेंट करके यार जरूर बताना कि आप लोग को ये वाला वीडियो कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा है तो वीडियो का बेस्ट पार्ट मेरे को कॉमेंट करके यार जरूर बताना और मेरे ब्लॉगिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब करो, जाके ब्लॉग वगैरह देखा करो यार। तुम्हारा भाई अभी डेली ब्लॉग्स कर रहा है भाई, पूरा दिन में क्या क्या करता रहता हूँ भाई, ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, तो थोड़ा जाके वहाँ पे प्यार और सपोर्ट दिखाओ। ब्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ब्लॉग भी जरूर देखना। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।